महाराष्ट्र में इन दिनों राणे परिवार काफी चर्चा में है। फिर चाहे नीतीश राणे का मस्जिद में घुसकर मारने वाला बयान हो या फिर नारायण राणे का उद्धव ठाकरे को लेकर की गई टिप्पणी, बीजेपी के नेता लगातार सुर्खियों में हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर बीजेपी राणे परिवार को इतना फोकस क्यों दे रहा है। आज इस शो में हम बात करेंगे कि राणे परिवार को लेकर बीजेपी की क्या मंशा है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीजेपी को राणे परिवार की वजह से इस चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त तीन तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बीजेपी के विधायक नीतीश राणे की है, जब उन्होंने मस्जिद में घुस कर मारने का बयान दिया था। दूसरी तस्वीर नीलेश राणे की है, जो राजकोट किले पर पुलिस पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर नारायण राणे की है, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को घेरने का काम कर रहे हैं। ये तीनों तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे इनकी वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र में काफी नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे राणे परिवार को लेकर बीजेपी की महाराष्ट्र में क्या स्ट्रेटेजी है। दरअसल बीजेपी राणे परिवार के जरिए उद्धव ठाकरे को कोंकण तक सीमित रखने का काम करना चाहती है और नीतीश राणे के जरिए राज्य के कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। और इसी के चलते नीतीश राणे लव जिहाद, हिंदू मुसलमान फोर्स कन्वर्जन और मंदिर मस्जिद के मामले पर मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं नारायण राणे के जरिए बीजेपी उद्धव ठाकरे को कोंकण की लड़ाई तक ही सीमित रखना चाहती है, ताकि उद्धव ठाकरे का ध्यान वहां पर रहे और बीजेपी मुंबई पर अपना कब्जा कर सके। और इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर हमला करने का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि राणे परिवार से बीजेपी को किस तरह का नुकसान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो बीजेपी को राणे परिवार में से सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश राणे की वजह से हो सकता है, जो आजकल हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी आक्रामक तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलता है और जिस तरह से उत्तर भारत और दूसरे राज्यों में चलता है, वही आज महाराष्ट्र में बीजेपी वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्थिति काफी खराब है। लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बता चुके हैं कि कितनी हद तक महाराष्ट्र के लोग बीजेपी की तोड़फोड़ और हिंदुत्ववादी राजनीति से नाराज हैं। और ऐसे में नीतीश राणे जब जब कोई ऐसा बयान दे रहे हैं, तब तब जनता उनसे दूर जाने का काम कर रही है। अब दूसरी तस्वीर नीलेश राणे की है, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और नारायण राणे के बड़े बेटे हैं। इसमें दिख रहा है कि कैसे नीलेश राणे उस पुलिस को धमकी दे रहे हैं, जो उनकी ही पार्टी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अंतर्गत आने वाले गृह मंत्रालय में काम करती है। राजकोट किले से आई इस तस्वीर के बाद ये सवाल उठने लगा है कि कैसे राणे परिवार पुलिस को धमकी देने का काम कर रहा है। विपक्ष ने हमला करते हुए कहा है कि राणे परिवार के सामने देवेंद्र फडणवीस की पुलिस पूरी तरह से बेबस हो चुकी है, या फिर यूं कहें कि पुलिस की सरकार से जुड़े हुए राजनेताओं के सामने कोई भी औकात नहीं है। और नारायण राणे की बात करें तो उन्हें बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को कोंकण तक सीमित रखने का काम सौंपा है, लेकिन नारायण राणे जिस तरह से आक्रामक होकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि ये जो तीर है ये उल्टा बीजेपी पर ही आ सकता है। तो इस तरह से नारायण राणे का इस्तेमाल बीजेपी कर तो रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में लोग वोट डालेंगे तो नारायण राणे के परिवार के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हो। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को राणे परिवार की वजह से नुकसान होगा या फायदा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।